हेलो फ्रेंड, मैं सचिन चौधरी, सनफ्यूजन एनर्जी इंडिया बिजनेस पार्टनर नेक्सस सोलर आगरा से। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, ये हमारा मन के वी ए का MPPT सिस्टम लगा था, मैंने अपडेट किया है ऐसे। आज ये हमारा 2.5 KVA का MPPT प्योर कॉपर में नेक्सस का इन्वर्टर है, जैसा कि आप देख सक रहे हो। और ये नेक्सस की हमारी दो बैटरी हैं 150 AH की। तो ये हमारा 1 KVA का थोड़ा मैंने अपडेट कर दिया, क्योंकि कल 6 तारीख को हमने रेफ्रिजरेटर मंगवाया था सैमसंग का 198 लीटर 5-स्टार इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, जैसा कि आप देख सकते हो 2 CFL के बराबर लोड लेता है, स्टेबलाइजर फ्री है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हमारा फ्रिज भी रन कर रहा है इस समय, तो थोड़ा। और दोस्तों, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा और लोड हमारा क्या क्या चल रहा है इस समय हमारा लोड, एक हमारी LED TV चल रही है इस समय 32 इंच की, और एक हमारा ये BLDC फैन है, ये रिमोट कंट्रोल है जैसा कि आप देख रहे हो। एक हमारा BLDC फैन और LED TV रन कर रही है, डिश TV। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा कूलर है, इन्वर्टर कूलर। अब मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कितना लोड ले रहा है इस समय। ये हमारा कूलर स्टार्ट हो चुका है इस समय। अब आपको हम लोड दिखाना चाहेंगे, कितना लोड ले रहा है मेरा प्रॉपर। मेन 0 है, बिल्कुल मेन हमने दी नहीं है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। आउटपुट हमारा 183 वाट आउटपुट ले रहा है पूरा इस समय, और सोलर से हमारा 16.9 एम्पियर 17 एम्पियर 18 एम्पियर पहुंच रहा है, और सोलर से 30 एम्पियर से मिल रहा है हमें, और बैटरी हमारी 17-18 एम्पियर से बैटरी चार्ज भी हो रही है इस समय। और दोस्तों, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि ये अपना, ये आज हमने 2 मॉड्यूल और बढ़ा दिए हैं नेक्स्ट 390 वाट के नेक्सस के, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में नेक्सस की। पहले हमारे 2 मॉड्यूल लग रहे थे, तो हमारा लोड इतना नहीं था, 1 KVA का सिस्टम था, अपना टुल्लू पंप चलता था 10-15 मिनट, जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी हमारा टुल्लू पंप है। अभी इसे भी हम चला के दिखाएंगे लोड कितना लेगा इस समय। अभी हमारा टुल्लू पंप बंद है, वो 1 HP का है, आप देख रहे हो हमारा ये क्रोमटोन का 1 HP का टुल्लू पंप है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसा कि दोस्तों आवाज़ आप सुन रहे होंगे स्टार्ट हो चुका है इस समय। इसका मैं प्रेशर भी दिखाता हूँ आपको, पानी हमारा यहाँ इस समय चल रहा है, ये टोटल हमारा इन्वर्टर पे चल रहा है ये अभी। जैसा कि दोस्तों हमने 2 मॉड्यूल और बढ़ा दिया, मैंने जैसे वीडियो में फर्स्ट टाइम बताया था, एक्चुअली अभी थोड़ा हमारा ऊपर ये बनेगा, तो मैं यहाँ बाईफेसियल मॉड्यूल अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल तो हमने टेम्पररी ऐसे लगा दिया है, आप देख रहे होंगे फ़िलहाल तो। और अब देखना चाहते हैं अभी लोड कितना ले रहा है इस समय। हमारा फ्रीज और कूलर रन कर रहा है, टुल्लू पंप भी चल रहा है, तो मैं CPCO के मॉनिटर डिस्प्ले में आपको दिखाना चाहूँगा, डिस्प्ले शो करा रहा हूँ मैं। मेन हमारा 0, मेन बिल्कुल हम यूज नहीं कर रहे हैं। आउटपुट हमारा 435 वाट ले रहा है इस समय, 229 वोल्ट मिल रहे हैं हमें आउटपुट। अब बैटरी हमारी 26.5 वोल्ट और 10.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है, और 69.4 वोल्ट 32.5 एम्पियर से हमारे सोलर से मिल रहे हैं इस समय। मैं आपको दिखाना चाहूँगा टाइम कितना हो रहा है।
ये हमारा कूलर रनिंग कर रहा है। और टाइम आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे इस समय 11:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं 2012 से सोलर के फील्ड में हूँ, यूपी नेडा में भी मैं वर्क कर चुका हूँ और अपनी सोलर पल्स दिल्ली में द्वारका में कंपनी है उनका भी मैं INC लेता हूँ मेगावाटों में, और दो सौ किलोवाट का काम लेता हूँ। ऑल इंडिया उनका मैं काम करता हूँ, हिमाचल, मेरठ, जालौर, राजस्थान, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और इस समय आप जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे लॉकडाउन लगा हुआ है, काम सब ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। तो मैं फिर अपने नेक्सस सोलर के साथ मेरे 10 महीने हो गए जुड़े हुए, तो मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ नेक्सस साथ सोलर के साथ जुड़े हुए 10 महीने थे इनके साथ जुड़ा हूँ। अपना INC का भी मेरा काम चल रहा है, अभी INC मेरा कोरोना पीरियड में अभी काम नहीं चल रहा है, बंद है अभी। जैसा कि आप देख रहे होंगे 10 तारीख तक लॉकडाउन और बढ़ चुका है। तो दोस्तों टोटल लोड मैंने आपको कूलर पर चला के दिखाया है, मेरे कूलर, इन्वेटर, DLDC पैन, फ्रीज टोटल सोलर पे ही वर्क कर रहा है, और 1 HP का जैसा कि दिखाया था। और दोस्तों करीब मुझे नेक्सस सोलर के साथ 10 महीने का टाइम हो गया जुड़े हुए, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने मथुरा, हाथरस, आगरा डिस्ट्रिक्ट में कई प्रोडक्ट लगा चुका हूँ, एक 100 में से एक प्रॉब्लम तो आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आई थी एक मैंने करीब 1 महीने पहले, राजीव भैया फौजी भाई के नाम से मशहूर हैं, अब ककुआबाद के पास पड़ता है ये, तो वहाँ मैंने 2.5 KVA का सिस्टम लगाया था, तो उनका थोड़ा लोड ज़्यादा था, तो वो टोटल ग्रिड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, टोटल सोलर पे ही चल रहा है। और 2 बैटरी का लोड कितना होता है, उनका लोड करीब 500 वाट का है, उनका भी फ्रीज टोटल समर सेबल 1.5 HP की है उनकी, फिर भी हमारा वो 2.5 KVA का प्लस मॉडल बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, इस समय भी लग रहा है। और करीब बैकअप भी लेते हैं तो रात के 5 बजे तक दिन से सोलर पे यूज़ करता है, रात सुबह तक 5 बजे तक वर्क बढ़िया कर रहा है, थोड़ा 1-2 घंटे तो लोड हो ही बैटरी भेगी जाए, क्योंकि लोड 1.5 HP का ही समर सेबल का ज़्यादा हो जाता है। फिर भी मैंने उनसे कहा है 3 KVA का अपडेट करवाने के लिए, और दोस्तों मैं जल्दी ही लॉकडाउन खुलते ही उनका 3 KVA का सिस्टम अपडेट करूँगा। और दोस्तों जैसा कि दीपक भाई और विजय भाई का फुल सपोर्ट रहा है, कोई भी टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है इनका फुल सपोर्ट रहता है, और मुझे भी 10 महीने जुड़े हुए हो गए हैं इनके साथ, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, जो भी प्रॉब्लम आती है सोल्व हो जाती है। और जैसे एक मथुरा में एक केस आ गया था, उनका सिस्टम शो नहीं करा रहा था कितने वाट्स ले रहा है, तो सेम डे कंपनी को मैंने बताया थे, ऐसे कंप्लेंट करी थी, सेम डे हमारा इंजीनियर गया था कंपनी से, उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ब्रांड आप देख रहे हो, जैसे कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, 10 महीने से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, करीब मैंने हाथरस, मथुरा, आगरा डिस्ट्रिक्ट में 10 पीस लगा दिए, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, बढ़िया वर्क कर रहा है।